कोटा में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है, मकान बन जाते हैं, लेकिन ना तो पटवारी को इससे सरोकार है और ना ही राजस्व विभाग को। यहाँ तक कि शिकायत के बाद भी कार्यवाही से परहेज किया जाना कई सवाल खड़े करता है। ऐसा ही एक गंभीर मामला कोटा नगर का है, जहाँ की करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण हो गया है और जिम्मेदार अफसर कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने मकान झोपड़ी बनाकर रख ली है, तो वहीं पर किसी ने बाड़ी लगाकर अपना कब्जा जमा रहा हुआ है। और शहरवासी ने बताया है कि लगभग एक माह पहले कोटा नगर के द्वारा यहाँ पर राजस्व विभाग को देने पर संबंधित पटवारी अमित तिवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट तहसीलदार प्रांजल मिश्रा के समक्ष सौंपी गई थी। कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने की सिर्फ औपचारिकता हुई है। उन्हें निश्चित अवधि में अपने कब्जे स्वतः ही हटा लेने और नहीं हटाए जाने पर बेदखली की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी, जिसके लिए उनके द्वारा बाकायदा टीम का गठन भी कर लिया जाने की बात कही गई थी, लेकिन महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पंचायत कोटा क्षेत्र अंतर्गत नजूल घोषित ज़मीनें हैं, जिसपे मतलब 1975 से लोग काबिज होकर चले आ जा रहे हैं। इसके अलावा भी नगर में अभी अतिक्रमण की बाढ़ सी आई हुई है, चाहे कोई सा भी एरिया अछूता नहीं है, चाहे एयरपोर्ट सागर पारा हो, चाहे ये आपका हॉस्पिटल के सामने हो, या थाना के पीछे हो, या SDM कार्यालय के पीछे हो, डबरा पारा, ऐसा करके हर एक मोहल्ले में जहाँ जहाँ जमीन शासकीय खाली पड़ी हुई है वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके मकान बना रहे हैं, जिससे नगर पंचायत टैक्स भी वसूली करती है। और इस मामले में यदि उस वृद्धा के खिलाफ में ऐसा कार्रवाई है तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा किया गया है, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुआ है इसको मैं गलत ही कहूँगा। जिस भी और जगह में नहीं चलती, खाली एक बुजुर्ग महिला के ऊपर चलती है, क्या बहुत से ऐसे मामले हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके हॉस्टल के पास में भी एक है, जिसमें तहसीलदार साहब ने आदेश पारित किया है, बेदखली का आदेश दिया है, उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। उनकी नाक के नीचे से वे कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको संज्ञान नहीं लेता है, ये मेरा कहना है। सतीश जोशी, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 3।